आपकी आंखों के साथ रखे आपकी सुरक्षा का भी ख्याल। अपने ग्राहकों की सेवा में 30 सालों से सेवारत विश्वास का दूसरा नाम नेत्रम ऑप्टिकल्स अग्रसेन चौराहा नौलखा इंदौर अब आपकी सेवा में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए 9826553000 पर संपर्क करें। इंदौर के खुड़ेल थाना क्षेत्र की कंपेल चौकी में आज मंत्री के नाम पर अफसर को हटाने की खुली धमकी दी गई। खुद को मंत्री तुलसी सिलावट का समर्थक बताते हुए शख्स दे रहा है पुलिस अफसर को धमकी। जानकारी के अनुसार शेखर राठौर नामक शख्स बिना मास्क लगाकर चौकी के अंदर जा रहा था तो पुलिसकर्मी ने रोक लिया। इस बात से नाराज होकर शख्स ने अपने साथियों से कहा कि सिलावट को फोन लगाओ, अब इस गाँव में या ये अधिकारी रहेगा या मैं रहूँगा। मामला खुड़ैल थाना अंतर्गत कंपेल चौकी का है। घटना के कई घंटे बीत जाने के बाद भी कार्रवाई ना होना बताता है कि पुलिस अफसर को धमकाने वाला शख्स रसूख से नाता जरूर रखता है। आपको बता दें कि सांवेर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने को है, ऐसे में मंत्री समर्थक इस तरह का कार्य कर रहे हैं। सर, ये जो कंपेल में घटना हुई है, सर, इंदौर के बारे में थोड़ा बताएं क्या घटना हुई सर कल? कल दिनांक को कंपेल में दो पक्ष आपस में पानी भरने को लेकर आपस में उनका वाद विवाद हुआ था, जिसकी रिपोर्ट वो लिखाने चौकी पर आए थे। इसी बात को लेकर उन्हीं के मोहल्ले का एक निवासी शेखर राठौर वो चौकी पर आया। संतरी ने उसको रोका कि भाई सामाजिक दूरी बनाए रखें और आप यदि कोई कारण नहीं है तो कृपया यहाँ ना आएँ, कोरोना का माहौल चल रहा है। इसी बात पर वो उत्तेजित हो गया। चौकी प्रभारी के द्वारा भी जब उसको मना किया गया तो उसके द्वारा गाली गलौज की गई, जान से मारने की धमकी दी गई और शासकीय कार्य में बाधा पहुँचाई गई। जिस आधार पर हमारे द्वारा चौकी प्रभारी की तरफ से धारा 353, धारा 186 और 506 की कार्रवाई की गई है। शेखर राठौर के विरुद्ध और आगे कार्रवाई की जा रही है। जी सर, धन्यवाद सर।